इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आज 13 अक्टूबर को आपके पशु परिचर के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 11 नवंबर। इस बीच आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करते समय फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर आपके लिए मैं इंस्ट्रक्शन लेके आया हूँ कि भाई आप जब फ़ोटो अपलोड करो या फिर सिग्नेचर अपलोड करो तो आपको किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके के अलावा राजस्थान एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फोटो अपलोड करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहला पॉइंट है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि जो आपने फोटो अपलोड किया है अगर वो ब्लर अपलोड हो गया, यानी कि चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, या फिर जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया है वो भी ब्लर अपलोड हुआ, सिग्नेचर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे, तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करना चाहिए। यानी कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो वो 6 माह पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ, मोबाइल व अन्य स्वयंरचित फोटो का उपयोग नहीं करें। आप मोबाइल से खींची हुई फोटो अपलोड ना करें। नेक्स्ट है, फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। यानी कि फ़ोटो का बैकग्राउंड ऐसा आपको रखना है जिससे कि फ़ोटो पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ऐसा नहीं कि फ़ोटो का बैकग्राउंड इतना गहरे कलर में कर दिया कि आपका चेहरा भी साफ में देखने में प्रॉब्लम आ रही है बैकग्राउंड के कारण। इसलिए आपको बैकग्राउंड या तो कोई रंग हो तो हल्का रंग होना चाहिए या फिर सफ़ेद रंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है, फ़ोटो में कि आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। यानी कि आवेदक का चेहरा है वो 50% दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। और ध्यान रखें, चेहरा आपके किसी भी कपड़े या छाया या बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से ढका हुआ होगा तो भी आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ध्यान रखें, जब आप फोटो अपलोड करो आपका सिर, आँख, नाक, कान और ठोड़ी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। नेक्स्ट, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो, पढ़ाई करने वाले जो चश्मे होते हैं नज़दीक के दूर के, तो अगर आप पहनते हो फोटो अपलोड करते समय अगर चश्मे पर फ्लैश आ गया हो तो वो फ़ोटो आप अपलोड ना करें। या तो चश्मा उतार कर फ़ोटो खिंचाएं, और अगर चश्मा पहन के ही फ़ोटो खिंचाना है तो बिना फ्लैश होना चाहिए फ़ोटो, कि फ्रेम पे फ्लैश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। जो काला या धूप के चश्मे होते हैं वे पहन कर आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, अन्यथा आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फोटो है वो आपके JPEG प्रारूप में होनी चाहिए, जिसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और पिक्सल में देखें तो न्यूनतम 240 × 320 और अधिकतम 480 × 640 की होनी चाहिए। अब फाइल का आकार, यानी कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो वो आपके 50 KB से लेकर 100 KB के बीच की होनी चाहिए। यानी कि जो आपने फ़ोटो अपलोड किया उसकी साइज़ 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हुई या फिर 50 KB से कम हुई तो आपके अपलोड ही नहीं होगा, एरर आएगी। नेक्स्ट, स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। जब आप परीक्षा में प्रवेश पत्र लेके जाओगे तो उस प्रवेश पत्र पर जो फ़ोटो है वो आपकी फ़ोटो से मेल खानी चाहिए, आपके चेहरे से मेल खानी चाहिए, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है सिग्नेचर को लेकर, ये थी फ़ोटो को लेकर। अब बात करता हूँ सिग्नेचर आपको किस तरह से अपलोड करना है। आवेदक एक सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई व 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एकायताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। ध्यान रखें, A4 साइज़ का वाइट पेज लेना है। ब्लैक या ब्लू पेन से ही सिग्नेचर आपको करना है, बाकी और किसी पेन से नहीं करना। या तो ब्लू पेन से कीजिए या फिर ब्लैक पेन से कीजिए, इनके अलावा कोई तीसरी पेन से आपको सिग्नेचर नहीं करना है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका हस्ताक्षर किसी और ने करके आपका अपलोड कर दिया हो और फिर एग्जाम हॉल में जब आप सिग्नेचर करोगे वो मेल नहीं खाएगा तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसलिए सिग्नेचर आपको खुद को करना है। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के बाद अपलोड कर दें।
परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है, अभी मैंने बताया था। अब जो सिग्नेचर वाला फाइल है वो भी आपके जेपीईजी फॉर्म में होनी चाहिए, और इसके लिए जो न्यूनतम पिक्सल है वो 280x80 से लेकर अधिकतम है 560x160 तक। फाइल का आकार ध्यान रखें, फोटो में आपकी थी 50 KB से 100 KB के बीच में थी, लेकिन सिग्नेचर में आपकी जो फाइल की साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच की होनी चाहिए, यानी कि 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 50 KB से ज़्यादा हुई या 20 KB से कम हुई तो आपके एरर आएगी, सिग्नेचर है वो अपलोड भी नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन से लिया गया हस्ताक्षर आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके फोटो और सिग्नेचर को लेकर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।